ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तो पर, आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बिहार की खगड़िया लोकसभा सीट एक बार फिर से चर्चा में बनी हुई है। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने इस बार नए और युवा चेहरे को मौका दिया है। चिराग पासवान ने इस बार राजेश वर्मा को इस सीट से टिकट दिया है। खगड़िया लोकसभा सीट से राजेश वर्मा चुनावी मैदान में नजर आएंगे। राजेश वर्मा काफी युवा चेहरा है और काफी तेज तर्रार भी माने जाते हैं। राजेश वर्मा की बात की जाए तो पहली बार चुनावी मैदान में किस्मत नहीं आजमा रहे, उन्होंने इससे पहले भी चुनाव लड़कर लोगों को चौंकाया था। तो अब आपको बताते हैं कि कौन है राजेश वर्मा और उन्हें खगड़िया से क्यों टिकट मिला। दरअसल राजेश वर्मा भागलपुर के रहने वाले हैं और आसपास के जिले के चर्चित चेहरे भी हैं। राजेश वर्मा पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। राजेश वर्मा की बात की जाए तो भागलपुर से 2020 में लोजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और वो भागलपुर के डिप्टी मेयर के पद पर भी रह चुके हैं। राजेश वर्मा सोशल मीडिया पर एक्टिव है। टिकट मिलने पर उन्हें मिठाई खिलाकर नेताओं ने स्वागत भी किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजेश वर्मा बिहार के भागलपुर जिले के जाने माने कारोबारी माने जाते हैं और रियल एस्टेट कंपनी के मालिक भी हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर रखी है। 2017 में भागलपुर नगर निगम के जरिए राजनीति में उन्होंने कदम रखा। राजेश वर्मा की बात की जाए तो उनकी काबिलियत को देखते हुए चिराग पासवान ने उन्हें 2020 के विधानसभा चुनाव के लिए भी टिकट दिया था। राजेश वर्मा ने 2020 के विधानसभा चुनाव में पहली बार 20,000 से अधिक वोट प्राप्त किए थे। आपको बता दें कि चिराग पासवान उस समय एनडीए से अलग हो गए थे, लेकिन इस बार चिराग एनडीए के साथ था और एक बार फिर से चिराग पासवान ने राजेश वर्मा पे भरोसा जताया है। अब देखना होगा कि राजेश वर्मा चुनावी समर को जीतने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। देखते रहिए बिहार तक।